सो गाइस बैंगलोर की सुबह संडे खासकर कुछ इस तरह रहता है लोगों का, आप देखिए। या गाइस दिस इज हाउ यू कैन क्लीन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी सेफली इजली एंड क्विकली एंड विद नो डाउट एंड गिल्ट आप अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हो। आपको मेरा हैक पसंद आया होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीन करने का बहुत ही क्विक एंड ईजी है। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेल मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। नहीं पूछा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार कैसी हूँ मैं, पूछ लिया करो, तभी तो कनेक्शन बनता रहेगा ना यार हम लोगों का, एक दूसरे के हालचाल पूछेंगे तो। एनीवेज गाइस, सो आज है संडे यानी फंडे एंड अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं एंड सुबह आज हम लोग ने सोचा है कि चलो आपको लेके चलते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए। सो मोस्टली हम कोशिश करते हैं संडे को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने का, वो भी बाहर जाके एज अ फैमिली ब्रेकफास्ट करने का। बोल तो घर पे भी बनाते हैं बट संडे बाहर जाके एक आउटिंग हो जाती है सुबह सुबह की। तो सुबह सुबह पूरा किचन काउंटर जो है क्लीन किया है, मतलब यहाँ से पूरा अच्छे से सब सामान हटा के क्लीन व्लीन कर लिया है और अब ब्रेकफास्ट के लिए लेके जा रहे हैं हम आपको भी अपने साथ। अंशु एंड श्रेश आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी downstairs, तो हम लोग भी जल्दी से लाइट वाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं। So guys, lift से नहीं जाएंगे guys, सुबह सुबह का टाइम है, स्टेयर से जाएंगे, गुड फॉर योर हेल्थ। सो गाइस बैंगलोर की सुबह संडे खासकर कुछ इस तरह रहता है लोगों का, आप देख ही रखते हो, मोस्टली फैमिलीज अपनी आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस हम लोग भी अभी आ रहे हैं सितांशु गए पार्किंग करने के लिए एंड देन विल डू आवर ब्रेकफास्ट। क्राउड लेवल देख रहे हो आपको to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine come so guys veg breakfast karne ke baad aa gaye hum fruits lene ke liye chalo shake fruits le यहाँ पे फ्रूट्स लेने आए हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ बैंगलोर में आ गया है मैंगो भी और अभी हम नहीं लेंगे मैंगो, ये भी प्रॉपरली मैंगो सीजन नहीं आया है। और इधर काफ़ी सारी फ्रूट्स हैं, मज़ा आ गया सुबह सुबह इतना अच्छे अच्छा सा फ्रूट्स देख के। तो यार बैंगलोर में या साउथ इंडिया में गर्मी जल्दी स्टार्ट हो गई है, मतलब मार्च में, तो यहाँ पे आम आना स्टार्ट हो गया है। अपने नॉर्थ साइड तो अभी नहीं आएगा, यहाँ पर आम आ गया है तो भैया बताए कि अभी फ्रेश यहाँ पे आ गया है आम। फाइनली सितांशु ने दो आम ले ही लिए हैं क्योंकि भैया ने बताया है कि यहाँ पर जल्दी फ्रेश है, कोल्ड स्टोरेज का नहीं है। तो कर्नाटका में आम आ गए हैं अपने। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी घर आ गए हैं एंड ये जो हमने फ्रूट्स वगैरह लिए थे इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मतलब सही बताऊँ तो ये जो ग्रेप्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्प्रेज वगैरह यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है पूरा अच्छे से क्लीन करना इनको। एंड तो मैं जो बहुत इजी वे क्लीन करने का यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स को वो ये है कि पहले इनको एक नॉर्मल पानी में इनको डाल लिया है। गर्म पानी कई लोग यूज़ करते हैं बट गर्म पानी से क्या होता है जो सब्जी होती है फल होते हैं वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं, मतलब
थोड़ा टाइम पे ब्लैकिश होने लग जाते हैं गर्म पानी की वजह से। तो ये जो टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आप वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी फ्रूट्स वॉश कर रही हूँ, तो एक बाउल लिया है मैंने, उसमें पानी लिया है अच्छे से एंड इनको ले लिया है जिससे ये पूरा डीप हो जाए। और इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, जो हमारा बेकिंग सोडा रहता है घर पे वो डालेंगे। तो इसमें अच्छे से 2 से 3 चम्मच हम बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे एंड इसको एंड फ्रूट्स को एक बार और आप क्लीन वाटर में इसको वॉश कर लो, सो दैट जो बेकिंग सोडा का इसमें कुछ एसेंस है वो सब निकल जाए। सो नाउ यू कैन सी अच्छे से ग्रेप्स क्लीन हो गए, आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गए हैं, गवावा भी अच्छे से क्लीन हो गया है। गुड टू ईट योर यम्मी यम्मी फ्रूट्स जो बिल्कुल अब क्लीन हो गए हैं। जो वाटर था लेफ्ट ओवर इसको हम यूज़ करेंगे यू नो, या तो वॉशरूम में यूज़ कर लेंगे या अभी प्लांट्स में डाल लेते हैं। थोड़ा यू नो विद केमिकल वाटर ही है तो प्लांट्स के लिए भी सेफ नहीं है, तो मेरे पास एक एम्प्टी सा ही है, नहीं मेरा मनी प्लांट इसमें है, ये एम्प्टी है, मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। एंड डेफिनेटली फेंकने से तो बहुत बेटर है कि आप यू नो थोड़ा थोड़ा सा प्लांट्स में डाल दो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ। या गाइस दिस इज हाउ यू कैन क्लीन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी सेफली easily and quickly and with no doubt and guilt आप अपने fruits को enjoy कर सकते हो। Guys आज के vlog को यहीं पे end करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा hack पसंद आया होगा fruits and vegetable clean करने का, बहुत ही quick and easy है। And yeah guys अपना support मेरे साथ बनाए रखना, वीडियो पसंद आई हो व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर पहली बार आए हो, और इसी तरह मेरे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज। सो मिलेंगे अगले व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, मिलेंगे हम जल्दी, टाटा।